और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर क्या कहा है, सुनिए। राहुल भैया भैया बीएड और वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर युवाओं के अपमान का आरोप लगाया। राहुल की टिप्पणी के बाद देश का सियासी माहौल गर्मा गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का युवा जगा हुआ है और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से न्याय यात्रा निकाली है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का दावा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। न्याय यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है कांग्रेस को झटका लग रहा है। जहाँ जहाँ न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहाँ वहाँ कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया, बंगाल में गया, टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया।